सो हे व्हाट इज़ अप गाइस, एंड्रॉयड 12 के एक इंटरेस्टिंग थीम के बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर आप एक शाओमी डिवाइस के यूज़र हैं, MIUI 12 यूज़ कर रहे हैं, MIUI 12.5 को यूज़ कर रहे हैं, शाओमी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, पोको डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, रेडमी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आप इस थीम को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड 12 की थीमिंग आपको इसमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर में काफ़ी बढ़िया ब्लू कलर्स देखने को मिलते हैं। थोड़ी बहुत बेसिक थीमिंग आपको देखने को मिलेगी। होम स्क्रीन में जितने भी वॉलपेपर्स हैं आप उनको आराम से चेंज कर सकते हैं। बस आपको डबल टैप करना है और आप काफ़ी सारे वॉलपेपर्स को यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। मुझे ये वॉलपेपर काफ़ी बढ़िया लगा। और जितने भी आइकन्स हैं जो आपको गूगल पिक्सल का आइकन पैक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आप देख सकते हैं स्टेटस बार के आइकन्स में भी आपके पास बैटरी, एयरप्लेन मोड, जितने भी आइकन्स हैं आपको अलग तरह से बिल्कुल एंड्रॉयड यानी AOSP जैसे गूगल पिक्सल जैसे आइकन्स ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। वॉलपेपर्स काफ़ी सारे आपको इसमें देखने को मिलते हैं। जब बस आपको डबल टैप करना है चेंज करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अगर आप MIUI 12.5 के वॉल्यूम पैनल की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको थीमिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये मैंने काफ़ी सारे थीम्स में ये चीज़ नोटिस करी है, लेकिन कुछ थीम्स ऐसे हैं जिसमें ये चीज़ काम करती है। तो अगर आपको वो थीम्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारी थीम्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो MIUI 12.5 के वॉल्यूम पैनल के साथ कंपेटेबल हैं। एग्जाम्पल के लिए साइबरपंक थीम, आई बटन में आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे सेटिंग्स वगैरह की, UI की, तो बिल्कुल सिंपल एंड्रॉयड का जो स्टॉक एंड्रॉयड जैसी आपको सेटिंग्स की UI देखने को मिलेगी। जितने भी सेटिंग्स के लेफ्ट साइड के आइकन है वो बिल्कुल आपको स्टॉक एंड्रॉयड जैसे देखने को मिल जाएंगे। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा थीमिंग तो इसमें देखने को नहीं मिलेगी, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। नॉर्मल जो स्टॉक एंड्रॉयड के थीम्स होते हैं वो आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं। काफ़ी बढ़िया लगा मुझे अभी तक ये थीम। और इस थीम का एक्चुअली में नाम क्या है, इस थीम का नाम है पिक्सल ब्लास्टर। और ये फिलहाल के लिए तो इसका MTZ फाइल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इसका थीम स्टोर का लिंक चाहिए तो बहुत जल्दी थीम स्टोर का लिंक भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा थीमिंग नहीं है। आप देख सकते हैं इसके बटन्स हैं उनमें भी आपको स्विचेस वगैरह में कोई खास चेंजेस आपको देखने को मिलते नहीं हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। लेकिन अगर आप बात करेंगे इसके MIUI के लोगो के बारे में, बिल्कुल आपको यहाँ पर उसका नाम चेंज हो जाएगा। MIUI का लोगो जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड्रॉयड 12 स्टाइल आपको लोगो देखने को मिलेगा। पिक्सल ब्लास्टर प्रो इस थीम का नाम है। इसके डेवलपर हैं शिवांग। अगर बात करेंगे इसके डायलर पैड वगैरह की तो बिल्कुल सिंपल आपको डायलर पैड देखने को मिलेगा ब्लू कलर की UI के साथ, बिकॉज आपको गूगल पिक्सल में ब्लू कलर देखने को मिलता है। वही सेम चीज़ आपको इसके डायलर पैड में भी देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मल है लेकिन काफ़ी बढ़िया मिनिमल लग रहा है ये थीम। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर इसके यहाँ पर लॉक स्क्रीन की बात करेंगे तो आपको देखने में काफ़ी सिंपल लॉक स्क्रीन लगेगी। अगर आप देखेंगे इसको कस्टमाइजेशन करने के लिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पैलेट यानी कि आप इसके जो कलर्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। कलर्स को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इसमें सेटिंग्स को ओपन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए नॉट सेटिंग्स, लेकिन आपको इसका कलर चेंज करने के लिए आप देखेंगे आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लॉक स्क्रीन के जो क्लॉक्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जो भी क्लॉक स्टाइल आपको पसंद आए आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इसको कस्टमाइज करने के लिए। आप क्लॉक स्टाइल में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। अगर इस क्लॉक को आप अपनाना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, तो आप इसका कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। तो बस ये सब चीज़ें आपको इस थीम में देखने को मिलती हैं। कस्टमाइजेशंस कुछ अवेलेबल हैं। सेटिंग्स वगैरह की UI की बात करेंगे, नॉर्मल सी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। लॉक स्क्रीन का ओपनिंग एनिमेशन, वॉलपेपर ब्लर और ये सब चीज़ें। बस यही सब था आज के इस वीडियो में। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दिस इज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। गुड बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.